इस न्यूज के प्रायोजक हैं एम किजन क्लासेस, 38 वर्षों से हर स्तर पर उच्च परिणाम देने वाला कोचिंग सेंटर, 5th-12th स्कूल कोचिंग व कंपटीशन एक साथ। तो आज ही ज्वाइन करें एम किजन क्लासेस, अशोक नगर व हिरन मगरी सेक्टर 5 उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ। सवाई माधोपुर जिले के चोथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के शिवाड़ कस्बे में 11 मई को हुए युवती के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा करते हुए युवती के कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रेमी ने ही युवती की हत्या की थी। पुलिस ने हत्या के मामले में अजय माली को गिरफ्तार किया है। प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इस मामले को प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया है। शिवाड़ में 11 मई को युवती पूजा बेरवा की बड़े ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। पुलिस उपाध्यक्ष ग्रामीण अनिल डोरिया ने बताया कि आरोपी ने हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए राजू नाम के युवक का नाम लिखकर मृतका के नीचे रख दिया था, जिसके तहत पुलिस ने राजू नाम के युवक को हिरासत पर लेकर पूछताछ की तो आरोपी का नाम सामने आया, जिसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग निकलेगी, जिससे वह आरोपी कई बार पूजा बेरवा से फोन पर बात कर चुका था और पूछताछ में पता चला कि पूजा बेरवा ने इसे फोन नहीं करने और उससे दूर जाने की बात कही थी, जिससे वह परेशान हो रहा था तथा उसने राजू के साथ प्रेम प्रसंग का शक हो रहा था। ऐसे में आरोपी ने घर में घुसकर पहले चाकू फिर सिलबट्टे के सिर से पर गंभीर चोट कर मूर्ति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपी से अब गहन पूछताछ कर रही है। तारीख को दोपहर में हमको सूचना मिली कि शिवाड़ में बैरवा बस्ती में कोई लड़की का मर्डर हो गया। इस सूचना पर थानाधिकारी को जब्ते के साथ भेजा और मैं और एडिशनल एसपी साहब हिमांशु शर्मा जी भी मौके के लिए रवाना होकर के मौके पे पहुंचे। वहां पता चला कि एक बैरवा लड़की है, उसका मर्डर हुआ है। मौके पर जो हालात थे उससे ब्रूटल मर्डर दिख रहा था। कमज़ोर वर्ग की और एक लड़की की हत्या के मामले को गंभीरता से देखते हुए हमारे एसपी साहब भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे, एसडीएम तहसीलदार भी पहुँचे। मौके की पूरी एफएसएल से और एमओबी से कार्रवाई करवाई गई, आसपास में इंटेलिजेंस से कलेक्शन करवाई गई, पोस्टमार्टम करा करके और डेड बॉडी घर वालों को सुपुर्द करने के बाद अंतिम संस्कार करवाया गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हमने हमारी टीमें लगाई, जो मृतका थी उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया वैज्ञानिक आधार पे और आसूचना के आधार पे, तफ्तीश के आधार पे अजय सैनी संदिग्ध लगा, जिसके बारे में ये पता चला कि हत्या उसने की हो सकती है। उसको राउंड अप करके कल शाम को उससे तफ्तीश की गई, उससे गहनता से पूछताछ की गई, वैज्ञानिक तरीके से उससे पूछताछ की गई, समझाइश करके उससे पूछताछ की गई तो उसने ये मर्डर करना कबूल किया। किस कारण उसने मर्डर किया था कुछ बताया? उसने मर्डर उस लड़की से इमोशनल फेवर चाहने की वजह से किया, जो वो उसको इग्नोर कर रही थी। घटना स्थल पे मौके पे डेड बॉडी के पास एक कागज पे लिखा हुआ है, कागज भी मिला जिसपे लिखा हुआ था कि पूजा के भाई राजू ने मुझे मारा है। वो राइटिंग भी बिल्कुल ऐसा, राइटिंग को और कागज को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये डेड बॉडी के पास, इसके नीचे ये कागज हत्या के बाद किसी और ने राजू को फंसाने के उद्देश्य से या अपने आप को छुपाने के उद्देश्य से ये रखा था। इस बात पे भी तफ्तीश राजू से भी की गई तो ये उसके द्वारा लिखा भी नहीं गया था, ना उसका कोई इन्वॉल्वमेंट था। मर्डर में जो वेपन इस्तेमाल किया गया उसके बारे में? मर्डर में वहीं पे कोई चाकू जो घर में काम आता है किचन में, उससे गर्दन पे वार किया। उसके बाद उस वार की वजह से वो लड़की जब फर्श पे गिर गई तो सिल का जो पत्थर होता है उससे उसके सिर पे कई सारी चोटें मार करके और उसकी वजह से उसकी हत्या कर दी।